अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ ही बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। सीनियर तजिया कार डॉक्टर शाहिद मसूद ने कहा है कि मुराद अली शाह वादा माफ गवाह बन चुके हैं। मुझे अनवर मजीद खुद खबरें देते रहे, उनको तो समझ नहीं कि सारे लोग जरदारी के खिलाफ वादा माफ गवाह हैं। रियासत में कोई एनआरओ नहीं होगा। उन्होंने निजी टीवी के प्रोग्राम में तबसरा करते हुए कहा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के इंतकाल के बाद जिस तरह आसिफ अली जरदारी खुश थे, इसी तरह मुझे बिलावल भुट्टो भी खुश नजर आए। अल्लाह इनको खुश रखे। हालांकि इनको परेशान होना चाहिए था। बिलावल भुट्टो, एक बात पता होनी चाहिए कि सिंध में लूट मार किस कदर ज्यादा हुई है। मुराद अली शाह वादा माफ बन चुके हैं, बल्कि सारे लोग आसिफ अली जरदारी के खिलाफ वादा माफ गवाह हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद ने खबरें देने वाला अपना जराए बताया कि मुझे अनवर मजीद खुद खबरें देते रहे। अनवर मजीद खुद आसिफ अली जरदारी के खिलाफ चीजें बता रहे हैं। फारूक नायक इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त हैं, लेकिन मैं उनके बारे में क्या बात करूं? सिंध में अगर हंगामा आराई हुई तो मुकदमा मुराद अली शाह के खिलाफ बनेगा, मुल्क बंद नहीं होगा। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कार्रवाई हुई लेकिन कराची बंद नहीं हुआ। दूसरी जानब सीनियर तजिया कार और सहाफी हामिद मीर ने निजी टीवी के प्रोग्राम में तबसरा करते हुए कहा कि अब नैब की कोशिश है कि बिलावल भुट्टो के खिलाफ भी अदालत में सबूत पेश किए जाएं और उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। इसी तरह ये भी सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून की नैब सदर मरियम नवाज पर भी केस बनाया जा रहा है। मरियम नवाज के खिलाफ केस की तफसीलात चंद रोज में सामने आ जाएंगी। बहुत सी शख्सियत नैब के टारगेट पर है।